तो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हम फिर से, मैं गाड़ी में ही करते हैं तो फिर से वापस हम अनंतनाग ही जा रहे हैं। तो अब सोचते नया क्या दिखाए यहाँ पे, नया कुछ आया ही नहीं, कुछ आया ही नहीं हमें, वही कपड़े वही गाड़ी सब। तो फिर हमने सोचा कि नया क्या है नया क्या है, तब असरार भाई ने बोला कि नया ये है कि हम दूसरे रोड से जाएंगे, वही रोड नया होगा, वरना जो भी सब कुछ है ना, मतलब गाड़ी, हमारे कपड़े, हम सब पुराने हैं, वही जो कंटिन्यूअसली 2-3 व्लॉगों से आ रहे हैं। लेकिन हमें इतना वर्कलोड पड़ रहा है ना भाई, ना तो हम घर जा पा रहे हैं पूरा, ना हम मतलब कहीं के रह रहे हैं, हम किसी रूम में कभी किसी दोस्त के घर रह रहे हैं, 3 दिन से इधर से इधर भटक रहे हैं हम। तो फिलहाल हम चेंज नहीं कर, कपड़े भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे, आपको व्यू चेक कराते हैं। ये देखो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं, मेरे को नाम मालूम नहीं है इस एरिया का, डी टू एरिया में पहुंचे हैं अभी हम। तो कुछ ऐसे पास में ही जंगल भी है, तो D2 का ये एरिया है भाई साहब। धीरे धीरे चलो असरार भाई। तो असरार भाई अभी भगाने की कोशिश में है ताकि इसको जल्दी पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है ऑफिस पे इसको। So guys, ये देखो यहाँ पे चिनार का पेड़ भी है। ओ भाई, लड़की स्केटिंग करने जा रही है यार, स्केटबोर्ड साथ में रहना चाहिए यार, ऐसे गेम्स खेलनी चाहिए, उतनी भी नहीं खेलनी चाहिए कि बंदा खराब ही हो जाए, कि फिर उसको दूसरा काम कोई आए ना, खाली खेलने पे ही मसरूफ हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि मतलब रहना चाहिए, फिट होता है, फिजिकली फिट रहता है बंदा, सपोर्ट उसके साथ जुड़ा रहे ना तो फिजिकली फिट रहता है, बॉडी उसकी मेंटेन होती है, वरना फैट होता है बॉडी में, फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होती है, फिर पता ही है बीपी हाई होने का खतरा होता है, हार्ट अटैक होने का भी खतरा होता है, अंटिल में डेथ होती है लास्ट। तो फिलहाल हम कुछ सॉन्ग प्ले करते हैं, लेकिन अपने ही जुबान से, कॉपीराइट नहीं चाहती है कि हमारे व्लॉग्स को कॉपीराइट आए। तो अभी असरार भैया बोल रहे हैं कि मैं अपनी जुबान से कुछ बोलूं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरी आवाज पसंद आई तो आप बिल्कुल भी शेयर करने से हिचकिचाना मत, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि असरार भाई की आवाज असरार भैया कैसे गाते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट्स में लिख लेना। एंड फिलहाल हम प्लान कर रहे हैं कि असरार भैया को हम कुछ गिटार लाके दे ताकि ये बजाए अच्छे से, लेकिन वो भी मुझे बजानी पहले नहीं आएगी, मुझे भी सीखना पड़ेगा ना, किसी मास्टर के पास जाना पड़ेगा। कैमरे को पता नहीं क्या हो रहा है। चलो करते हैं हम इस वाले फोन को बंद। तो अभी हम चलाते हैं दूसरा फोन, जो कि हमने 2 दिन पहले ही परचेज किया है, iPhone 14 Pro Max। तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने बोला था कि आज हम आपको स्नैक रोड दिखाएंगे, तो बिल्कुल हम पहुंचने वाले हैं उस लोकेशन पे जहाँ से आपको हम दिखाएंगे स्नैक रोड्स। तो चेक करो गाइस, स्नैक रोड्स कैसे दिखते, चेक करना गाइस, व्हाट अ व्यू गाइस, क्या व्यू आ रही है भाई यहाँ से। काश हमारे पास ड्रोन होता तो हम ड्रोन शूट कर लेते, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारे पास ड्रोन नहीं है, गरीब यूट्यूबर है। ये देखो गाइस, चेक करो स्नैक रोड्स, गाड़ी को कैसे कैसे घुमाना पड़ता है, पहले दाएं फिर बाएं, बस स्टॉप सीट बस कॉलिंग मी गाइस, चेक करो अनंतनाग की शान है मटन के ये स्नैक रोड्स। गाइस देखो कि गाड़ियां अभी कैसे मोड़ रही है, हम नीचे का भी व्यू दिखाएंगे थोड़ा सा। देखो गाइस, हम आ चुके हैं नीचे, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने सारे स्नैक रोड्स कवर किए हैं, के द्वारा डायल किया गया ना, तो नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे जो नया रेस्टोरेंट खुला है मटन 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 कुछ
कुछ होंगे गाइस। देखो गाइस पेट्रोल पंप के पास वेट करना तेल डाले के, वहाँ पे हंगुल है, यहाँ पे हंगुल चल रहा है तो चलने दो, हम भी पहुँचेंगे तब तक। देखो गाइस चेक करो, यहाँ पे खुला है, तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं मटन चौक में। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक जाता है सीधा पहलगाम की ओर, अगर हम सीधा जाएंगे तो पहलगाम पहुंच जाएंगे। हम लेते हैं फिलहाल लेफ्ट, मटन मार्केट से गुजर रहा है तो ये हम मटन मार्केट नहीं जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं हाईवे की ओर। हाईवे पे ही बासित हमारा वेट कर रहा है, तो गाइस चेक करो, सपोर्ट की जरूरत है। गाइस H2R जा रही है आगे आगे, निंजा है, हाँ जी निंजा 650 हो गई है भाई। बिल्कुल, हम भी सोचते थे कि हम भी, हमारे को भी लेनी थी, लेकिन मजाक हो रहे हैं कि हम लाएंगे KTM Duke 350, तो इंशाल्लाह हम जल्दी इसको भी परचेज करेंगे। तो फिलहाल हम पहुंचे हैं मटन, बासित भैया वहां पे वेट कर रहे होंगे, कहां पे है यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है बासित भैया। बासित भैया तो गाइस मैंने उसको बोला था पंप पे वेट करने को, वो वहां पे है शायद आगे, ये नहीं पंप वाली साइड ही होगे वो, मैंने बोला पंप पे आएगा। तो गाइस बासित भैया, गाइस ये देखो बासित भैया आ रहे हैं, अभी हम इसको बिठाएंगे गाड़ी में, फिर चलते हैं अपनी सफर की ओर। यस, तो फाइनली गाइस बासित भैया बैठ चुके हैं गाड़ी में, काफी वेट करवाया हमें बासित भैया ने, तो इसने बोला था कि यहीं से है ना। फिलहाल कुछ बोल रहे हैं बासित भैया, मैंने इसको बोला कि आप चुप करो, फिलहाल शूट कर रहे हैं व्लॉग, तो बासित भैया अभी आप कुछ बोलेंगे। हाँ बासित भाई क्या ले आओ, कैसे क्या ले मस्त हो ना, कैसे हो ना, तो चलो घर कैसा, ठीक है मम्मा सा, ठीक है। कल बासित भैया ने बोला था कि मेरे साथ ही आ जाओ, हम वहीं पे पार्टी करेंगे, लेकिन कुछ हालात की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए, इंशाल्लाह जाएंगे, तो आज पक्का जाएंगे बासित भैया के घर। गाइस अभी हम जा रहे हैं केपी रोड, चेक करो ना, देखो यहाँ से पहलगाम जाते हैं तभी इसका नाम केपी रोड पड़ा है, यानी खनाबल टू पहलगाम रोड इसको बोलते हैं। तो फिलहाल हम थोड़ा गाड़ी को दबाते हैं, क्या गाड़ी वाले को ठोकते हैं, नहीं काम में नहीं करना है। तो गाइस फिलहाल चल चाय किसी ढाबे वाबे पे, तो तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू सून।